नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आज 20 फेब्रुआरी 2023 जोइए आजना समाचार। न्यूज ऑफ कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी बेस्ट शॉप, विजय नगर रोड, भुज, रामबाग रोड, आदिपुर। कच्छ में काड़जाड़ गर्मी, बेवड़ी ऋतु थी लोको त्राहिमाम। आवनारा बे दिवस में कच्छ में हीट वेव नी आगाही, तापमान 40 डिग्री ए पहुंचवा संभव। गुजरात में गर्मी और ठंडी बन्ने नो अनुभव थई रह्यो छे। गर्मी दिवसे दिवसे वधी रही छे, त्यारे पूर्व थी दक्षिण पूर्वना गरम पवनों अने एंटीसाइक्लोन नी असर थी गर्मीए छेल्ला 50 वर्षनो रेकॉर्ड तोड्यो छे। अमदावादना गुजरातना मोटा भागना शहरों में गर्मीनो पारो 38 डिग्री ने पार करी गयो छे। जोशी देसल पर से यहाँ भुज में आई हूँ अपने काम के लिए, लेकिन क्या है कि अब ये जो ठंडी का सीजन है अभी है भी, लेकिन क्या कि अभी से गर्मी चालू हो गई है, इसलिए भारी दिक्कत हो रही है। फिर कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम जो ये सब कहते हैं पॉल्यूशन, या तो ये ठंडी के बावजूद ये गर्मी चालू हो रही है, तो आने वाली गर्मी तो सह भी नहीं जाए। ये अवर चवर ये हिलन लोग जो है बाहर निकलना ही भूल जाएंगे सर। अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है, इसकी वजह से अभी सुबह में भी वो धुम्मस होता है, दोपहर में बहुत धूप लगती है, इसीलिए इन्फेक्शन तकलीफ होती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है पॉल्यूशन की वजह से। बाहर तो निकलना ही पड़ता है काम के लिए, तो फिर क्या करेंगे, जाना ही तो पड़ेगा। जेना कारणे फेब्रुआरी महीना थी ज लोको गर्मी थी तोबा पोकारी गया छे, ત્યારે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં બે દિવસ હીટ વેવ ની આગાહી કરવામાં આવી છે। બહુ ખરાબ ગરમી ગીર રહી હે, ઋતુ બહુ બદલ રહી હે, ખાલી યહાં કચ્છ નહીં પૂરે હિન્દુસ્તાન મેં આજ સુબહ માંડવી મેં ફોગ દિખ રહા થા, બાજુ મેં કોણ ખડા હે વો નહીં દિખ રહા થા, ઓર 10 બજે સૂરજ ઉગા ઉસકે પહેલે તક કુછ દિખાઈ નહીં દે રહા થા, ઓર અબ યહાં ભુજ મેં હું તો ઇતની ભયંકર ગરમી હે કે આદમી ઉસકી વજહ સે બીમાર હો રહા હે। और ये साल में जो ठंडी शुरू हुई है उसमें 4 दिन ठंडी और 4 दिन गर्मी हुई है, यानी इसको ठंडी का सीजन भी नहीं बोला जावे और एक तरह से गर्मी बहुत जल्दी आ चुकी है। फेब्रुआरी में पहली बार गर्मी नु येलो अलर्ट जाहिर करवामा आव्यु छे, तेथी आग झरती गर्मी माटे तैयार रहेवु पड़से। ठंडी का मौसम है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर दो ऋतु जैसा लग रहा है, सुबह ठंडी होती है, शाम को भी ठंडी होती है, लेकिन दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही गर्मी का मौसम आ गया है, यहाँ का प्रदूषण थोड़ा बढ़ रहा है, इसकी वजह से लग रहा है कि ये गर्मी चढ़ रही है। हवामान विभाग ने आगाही प्रमाणे आगामी बे दिवस कच्छ अने सौराष्ट्र ना केटलाक विस्तारों में हीट वेव नी शक्यता छे। गर्मी की सीजन बढ़ गई है, टेम्परेचर भी बढ़ गया है, और यहाँ के गड़ा की भी हो गया है, क्योंकि गन्ने का जूस एक नेचुरल वस्तु है जो यहाँ के गर्मी में और ठंडक में दोनों में काम आती है, मगर गर्मी की सीजन में बहुत काम आता है जूस, जो यहाँ के ग्लूकोज की तरह काम करता है, उसमें विटामिन ए बी और सी जो सब होता है, और नींबू की तरह से उसके सीमा सी का टेम्परेचर की वजह से गर्मी में बहुत काम आता है। गड़ा की तो अभी बढ़ेगी ना, गर्मी के सीजन है तो अभी जाएंगे क्या घर बाहर निकलेंगे इस तरह से गर्मी में तो बाहर आएंगे ना इतना। उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्र कच्छ में महत्तम तापमान 37 થી 39 डिग्री आसपास रहेशे। 24 कलाक सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव नी आगाही करवामां आवी छे। राजकोट, सुरेंद्रनगर अने कच्छ में हीट वेव रहेशे, महत्तम तापमान 40 डिग्री आसपास नोंधावानी शक्यता छे। ભુજ અને રાજકોટનું મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે। સામાન્ય રીતે શિયાળાના કોલ્ડ વેવની આગાહી આવતી હોય છે અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તાપમાન નીચું રહેતું હોવાના કારણે ઠંડીનો અહેસાસ થતો હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે તો 50 વર્ષમાં પહેલીવાર ફેબ્રુઆરી મહિનામાં હીટ વેવની આગાહી કરવામાં આવી છે। ચાલુ વર્ષે શિયાળામાં લઘુત્તમ તાપમાનનો રેકોર્ડ બન્યો છે। મારા નામ દિકેશ હૈ, મેં ભુજ શહેર સે બિલોંગ કરતા હું, और आज यहाँ गर्मी बहुत 39 डिग्री से ऊपर चली गई है। ये सीजन में कम रहती है मगर इस साल बहुत ज्यादा हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस सीजन में कम रहती है, रात को ठंड ज्यादा लगती है और दिन में गर्मी ज्यादा लगती है, तो बीमारियाँ ज्यादा हो रही है।
दर्शक मित्रों आ हता आजना समाचार, आवती काले फरी मळीशुं, त्यां सुधी मने रजा आपशो, नमस्कार।